हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल एंटरटेनमेंट फोकस प्लस, जहां पर हम अपनी नॉलेज पर फोकस करेंगे। मेरे इस चैनल पर आप सभी को नॉलेज मिलेगी मेनली इन टैक्सेशन फील्ड, इन जीएसटी, इन इनकम टैक्स एंड इन वेरियस अदर टॉपिक्स आल्सो एंड इन न्यू अपडेट्स आल्सो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है ज्वेता और आज का हमारा टॉपिक रहेगा फ्रॉम इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के टॉपिक से हम अपना हाउस प्रॉपर्टी को स्टार्ट किया था हमने। हाउस प्रॉपर्टी के टॉपिक पे हमने अपनी कैलकुलेशन देखी थी कि हाउस प्रॉपर्टी में हम किस तरीके से अपनी कैलकुलेशन करते हैं। उसके बाद हमने अपनी नेक्स्ट वीडियो यानी कि इससे प्रीवियसली जो हमारी इनकम टैक्स की जो वीडियो गई है, वहाँ पर हमने हाउस प्रॉपर्टी की चार्जेबिलिटी सेक्शन को डिस्कस किया था, सेक्शन 22। तो उसमें हमने अपने कुछ कंडीशंस देखे थे। तो नेक्स्ट हम अपना कुछ एक और कंडीशन देखने वाले हैं, जिसमें कि हम देखेंगे कि अगर कोई पर्सन लीगली ओनर है पर वो अपने किसी पर्सन को यानी अपने किसी रिलेटिव्स को, रिलेटिव्स यानी कि क्या वाइफ या फिर चिल्ड्रन को या फिर अपने किसी बच्चे को यानी कि अपने स्पाउस या फिर किसी चाइल्ड को अगर वो ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो प्रॉपर्टी किसकी मानी जाएगी। अगर वो रेंटेड अपार्टमेंट में रेंटेड हो जाए, अगर उस प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया जाए, तो वो जो इनकम उससे आएगी उस पे इनकम, वो इनकम किसकी मानी जाएगी और किसको उस इनकम पे ऊपर टैक्स देना है। तो चलिए आज हम इसको डिस्कस करेंगे। और मेरे चैनल पे आपको इनकम टैक्स और जीएसटी से रिलेटेड वीडियोस प्लेलिस्ट पे मिलेगी। आप जाके प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, वहाँ से आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस मिल जाएंगे ऑफ इनकम टैक्स, हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम सैलरी के टॉपिक्स को हमने उसमें कवर किया है और साथ में जीएसटी के टॉपिक्स भी हैं, आप जाके वहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो चलिए देखते हैं, हमारा टॉपिक है आज का हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर। अगर कोई पर्सन, हमारा टॉपिक आज का ये है, अगर कोई पर्सन वो अगर लीगली ओनर है और अगर वो अपना जो ओनर उसकी प्रॉपर्टी अगर वो ट्रांसफ़र करता है, अपनी प्रॉपर्टी को, हाउस प्रॉपर्टी को क्या है, अगर वो ट्रांसफ़र करता है किसको, अपने वाइफ को या फिर अपने बच्चे को, किस केस पे, विदाउट एनी कंसिड्रेशन। विदाउट एनी कंसिड्रेशन यानी कि क्या है, एज अ गिफ्ट, ठीक है, मतलब इसके बदले में वो कुछ लेगा नहीं। कंसिड्रेशन यानी कि किसी चीज़ के बदले कुछ, जैसे कि किसी को अगर हम अपनी बिल्डिंग या हाउस प्रॉपर्टी कुछ देते हैं तो उसके बदले हमें उससे मनी लेते हैं, तो विदाउट एनी कंसिड्रेशन उसके बदले में वो कुछ नहीं लेगा, वो क्या कर रहा है, एज अ गिफ्ट, एज अ उपहार के तौर पर वो अपने वाइफ को या फिर अपने बच्चे को दे रहा है। अब सपोज़ कीजिए वो जो प्रॉपर्टी उसने दी है वो क्या है, रेंटेड इनकम आ रही है उससे, यानी कि रेंट पे दिया है उससे रेंटेड इनकम आ रही है, तो इस इनकम जो है वो किस पर्सन के हेड पे जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी तो है पर किस पर्सन के, जो लीगली ओनर है उसके या फिर जिसको ट्रांसफ़र किए हैं उसको। तो चलिए देखते हैं, उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को जानना है फिक्शनल ओनर एंड और डीम्ड ओनर। फिक्शनल ओनर और डीम्ड ओनर मीन्स द सेम, जो कि हमारे सेक्शन 27 के अंदर आता है, जिसमें कि कंडीशन ये है कि डीम्ड ओनर हम किसको बोलते हैं, वो ओनर जिसमें कि क्या है, जो कंसिड्रेशन है वो क्या है, एडुकेट कंसिड्रेशन, यानी कि इसके बदले में कुछ तो हम लेना देना नहीं करते हैं, ठीक है, मतलब इसके बदले में कुछ नहीं मिलेगा। और डीम्ड ओनर वो ओनर होते हैं जो कि एक्चुअली में ओनर तो नहीं है, यानी कि एक्चुअल में वो मालिक तो नहीं है, पर इनकम टैक्स उसको अपना ओनर मानता है, यानी कि डीम्ड ओनर मानता है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र हो चुकी होती है। तो जो ओनर है, अगर उसकी कोई इनकम जो हाउस प्रॉपर्टी से आ रही है, तो क्या वो टैक्स के लिए लायबल है? जी नहीं, वो टैक्स के लिए लायबल नहीं है। जो लीगली ओनर और बेनिफिशियली है वो शेल नॉट बी फर्दर लायबल टू पे टैक्स। जो लीगली ओनर, जिसको कि हम क्या कहते हैं, बेनिफिशियरी ओनर भी बोलते हैं, वो लीगली इसके लिए टैक्स पे नहीं करेगा, यानी कि जिसको ट्रांसफ़र की गई है, जो डीम ओनर है या फिर जो डीम ओनर है या फिर जो फिक्शनल ओनर है उसको पे करना है, ठीक है। तो चलिए हम इसको एग्जांपल पे देखेंगे। और इसके लिए क्या है, कंडीशन ये रखी जाती है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इसमें हमने दो ओनर की बात करी है, सबसे पहले हमने डीम्ड ओनर की बात करी है, उसके बाद हमने बात करी है
अपने लीगल ओनर यानी कि बेनिफिशियल ओनर की। लीगल ओनर यानी कि जिसके ऊपर पेपर वर्क जो होता है प्रॉपर्टी का, जो पेपर ही वर्क जो है वो जो है लीगल पर्सन के ऊपर है, लीगल जो ओनर है उसके ऊपर है। पर लीगल ओनर ने क्या किया है, अपना जो प्रॉपर्टी है उसने वो ट्रांसफ़र करी है। ठीक है, जैसे ये होता है ना कि इतना पार्ट में ट्रांसफ़र करता हूँ या मैं पूरा भाग उस पर्सन को ट्रांसफ़र करता हूँ, तो ट्रांसफ़र कर दिया उसने तो अब तो वो ओनर रहा ही नहीं, तो कुछ मैटर ही नहीं है। तो इसलिए इनकम टैक्स क्या कहता है, भाई इनकम तो भाई आपकी नहीं मानी जाएगी लीगल ओनर, ये डीम्ड ओनर की इनकम मानी जाएगी। अब वही टैक्स पे करेगा, यानी कि लीगल ओनर शैल नॉट बी फर्दर लाइबल टू पे टैक्स। अब वो टैक्स पे करने के लिए लाइबल नहीं है। अब जो लीगल ओनर है अब वो किस किस कंडीशन में पे करेगा, यानी कि जिसको देगा वो ट्रांसफ़र करेगा, वो किस किस केस पे दे सकता है, हिज और हर स्पाउस यानी कि वाइफ अपने हस्बैंड को दे सकती है, हस्बैंड अपने वाइफ को दे सकते हैं, माइनर चिल्ड्रन यानी कि जिसकी एज क्या हो 18 साल से नीचे की हो। लेकिन 18 साल के नीचे में क्या होता है, कुछ गर्ल्स की अभी तो जैसे सरकार ने बंद कर रखी है, पर ऐसा फिर भी सुनने को आता है कि कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो कि 18 साल से कम एज में उनकी शादी हो जाती है। तो नॉट बीइंग मैरिड, जो डॉटर हैं उनकी मैरिज नहीं होनी चाहिए। तो क्या होता है, वो मैरिड डॉटर मानी जाती है, वो तो किसी उसके दूसरे उसमें चली जाती है मैरिड डॉटर, तो वो हम उनको अपने उसमें नहीं ले सकते हैं। तो जो माइनर चिल्ड्रन हैं इनके 18 साल से नीचे की होनी चाहिए और वो भी अनमैरिड होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम अपने कुछ केसेस यानी कि एग्जांपल्स को देख लेते हैं, जिसमें कि हम देखेंगे। चलिए, मिस्टर राम हैं, उसने अपनी ट्रांसफ़र करी है हाउस प्रॉपर्टी जो कि 5 लाख की थी टू मिसेस राम यानी कि मिसेस सुनीता, मतलब जो राम की वाइफ है उनको, उन्होंने राम ने अपनी वाइफ सुनीता, मिसेस सुनीता को ट्रांसफ़र की है। तो मिस्टर राम तो क्या हो गए, यहाँ पर हमारे लीगल ओनर हैं। ओके, मिस्टर राम क्या यहाँ पे लीगल ओनर है, मिसेस सुनीता क्या है डीम्ड ओनर है। ओके, उनको ट्रांसफ़र कर दी है। अब इनकम आ रही है रेंट, तो रेंट इनकम किसकी मानी जाएगी, मिसेस सुनीता की मानी जाएगी। तो इनकम जो कवर होगा वो किस में कवर होगा, मिसेस सुनीता के इनकम पे जाके वो ऐड होगा। तो टैक्स भी कौन पे करेगा, मिसेस सुनीता ही पे करेगी टैक्स भी। ओके, अब मिस्टर राम को कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, लीगल ओनर और डीम ओनर किसको बोलते हैं, और अगर लीगल ओनर ने डीम ओनर को ट्रांसफ़र किया है तो टैक्स कौन पे करेगा, जो इनकम आएगी वो किसके इनकम में ऐड होगी, सुनीता, मिसेस सुनीता को जो भी इनकम होगा, लेकिन उसके अलावा रेंट इनकम जो उसने ट्रांसफ़र किया है, जो सिर्फ ट्रांसफ़र हुआ है वो भी सुनीता के अंडर ही जाएगा। ओके, तो उससे अगर टैक्स पे करना है वो टैक्स भी पे करेगी कौन, मिसेस सुनीता। तो एक और नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल देखते हैं। चलिए, मिस्टर श्याम ने ट्रांसफ़र करी है मिसेस राधा उनकी वाइफ को, ट्रांसफ़र किया, पैसे ट्रांसफ़र करे हैं उन्होंने, कुछ अमाउंट उन्होंने क्या है ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, 5 लाख रुपीज़ सपोज़ उन्होंने ट्रांसफ़र किया, उनको कैश दिया है एज अ गिफ्ट के तौर पे। अब गिफ्ट के तौर पे उनको क्या क्या है, कैश दिया है। तो यहाँ पे लीगल ओनर डीन ओनर का तो कुछ बात ही नहीं है, पैसे थे, पैसे ट्रांसफ़र कर दिए एज अ गिफ्ट पे, चलो भाई मामला ख़त्म। लेकिन मिसेस सुनीता ने क्या किया, उन्होंने उस 5 लाख की प्रॉपर्टी परचेज कर ली। प्रॉपर्टी परचेज करी है तो इसमें लीगल ओनर तो राधा ही मानी जाएगी, मिसेस राधा, पेपर वर्क सब कुछ राधा के नाम पे गए। अब राधा को तो सिर्फ पैसे दिए थे, राधा तो यहाँ पे कुछ नहीं बताया गया कि कुछ ट्रांसफ़र कर रही है कि नहीं कर रही है। तो इसमें क्या है, हमारा लीगल ओनर और डीम ओनर की कोई बात ही नहीं है, कोई कंडीशन ही नहीं है डीम ओनर की, तो पैसों का कुछ मामला नहीं है, ओनली एंड ओनली प्रॉपर्टी के ऊपर बात हो रही है। और उस प्रॉपर्टी से अगर हमारी रेंटेड है, कुछ इनकम अगर हमारी जनरेट हो रही है, तो वो सिर्फ और सिर्फ किसकी इनकम मानी जाएगी, डीम जो ऑनर है उनकी मानी जाएगी, और टैक्स अगर पे होगा तो डीम ऑनर को ही पे करना होगा। तो ये थी हमारी हाउस प्रॉपर्टी एक और कंडीशन, जो कि हमने इस वीडियो पे टॉपिक को हमने कवर किया है। नेक्स्ट में भी हम अपना कुछ कंडीशन नेक्स्ट कवर करेंगे हाउस प्रॉपर्टी से
रिलेटेड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एज इट इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। अगर कोई क्वेरी आपके पास हो, कोई क्वेश्चन आपका अराइज हुआ हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। और कोई नया टॉपिक अगर आपको जानना है, अगर मैं आपकी हेल्प कर सकूं, तो प्लीज़ कमेंट पे बताइएगा कि आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन है, आपको वो जानना है, तो आई विल हेल्प यू। अगर मैं कर सकती हूँ तो आपकी मदद में पूरी करूँगी। एंड प्लीज़ आप मुझे लाइक कीजिएगा, अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आगे अपनी वीडियो को कंटिन्यू बनाने के लिए और नया टॉपिक लाने के लिए। तो आई होप आप समझ सकते हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेरे चैनल पर आपको GST से और इनकम टैक्स से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी, जो कि प्लेलिस्ट पे है। और न्यू अपडेट्स जो भी हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आती रहती है, GST से रिलेटेड न्यू अपडेट्स एंड कुछ भी न्यू अपडेटेड न्यूज़ अगर हैं, तो आपको वीडियो पे मिलेगी मेरे चैनल पे, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।